खटिया स्तर का प्रधानमंत्री, जुठलर बहुरूपिया फेकू जुमलेबाज गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नौटंकीबाज प्रधानमंत्री, क्या कहा ऐसा कोई सगा जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं? सबसे ज्यादा तो अडवाणी को ठगा, जिस अडवाणी का माइक पकड़ता लाउड स्पीकर, अडवाणी को बाबा जी का ठुल्लू थमा दिया, उसको बाबा जी किसी मंदिर का पुजारी भी नहीं बनाया। अमित शाह देश का मालिक है, रिकॉल की सुविधा नहीं है, नहीं तो कान पकड़ के सत्ता से नीचे उतार दिया जाता। देश में भुखमरी है, देश में मंदी है, देश में अर्थव्यवस्था है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बच रही है, उसके लिए अमित शाह को नहीं दिखता है, अंधा है, सत्ता के नशा में इतना चूर हो गया। क्या होता है, कानून बना देगा, जबरदस्ती जेल में बंद कर देगा। अरे अगर भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस ने ये सोचा होता तो आज देश आजाद नहीं होता। हम नहीं डरते ये काले कानूनों से, हम जेल की दीवारों से नहीं डरते। कहते हैं सीएनआरसी, क्या होता है सीएनआरसी, अब हमको बताएंगे। बाहर के लोग आए, फिर बाहर के लोग थे, अपना मुंह में लाली, पहुना के मुंह में छाली, हैं? अपने मुंह में लाली या दूसरे के मुंह में छाली, हैं? पौना के मुंह में छाली देने चले हैं। देश की गरीब जनता खा नहीं रही है, फुटपाथ पर सो रही है। देश में गुरुद्वारा नहीं हो तो देश की आवाम भूखे मरेगी। अमित शाह को दिखता है, भगवा चश्मा पहन लिया, 1.5 लाख का चश्मा पहन के सूरज ग्रहण देख रहा है, 10 लाख का सूट पहन के। देश की आवाम धर्म का धंधा था, हर कोई इसमें अंधा था, जब रोशनी हुई तब पता चला आधा देश भूखा आधा देश नंगा। प्रधानमंत्री जी इतना लुच्चा लफंगा है, देश में पहली बार इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री, जुठलर बहुरूपिया फेकू जुमलेबाज गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नौटंकीबाज प्रधानमंत्री, क्या कहा है? फार्मास्यूटिकल कंपनियां लड़कियां सप्लाई करती है डॉक्टरों को, देश के प्रधानमंत्री को ये बयान शोभा देता है? अरे वो बहन बेटियां हमारे देश की बहन बेटियां है, एक नंबर का लुच्चा प्रधानमंत्री है, उसको माफी मांगना चाहिए डॉक्टरों से भी और देश की लड़कियों से भी। इसको प्रधानमंत्री कहेंगे? अरे मैं होता ना, अगर मेरे मुंह से गलती से निकल जाता तो हम चुल्लू पूरा लेते पानी और मुंह में कालिक पोत के डूब के मर जाते। हम शान से नहीं घूमते। मोदी जी का एको को बात बता दीजिए जो सच बोला हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। ममता बनर्जी साथ आया उसको ठग लिया, उद्धव ठाकरे को ठग लिया, मुफ्ती महबूबा को ठग लिया, नीतीश कुमार को ठग लिया था, डीएनए पूछ लिया, है ऐसा कोई सगा जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं? सबसे ज्यादा तो अडवाणी को ठगा, जिस अडवाणी का माइक पकड़ता लाउड स्पीकर, अडवाणी को बाबा जी का ठुल्लू थमा दिया, उसको बाबा जी किसी मंदिर का पुजारी भी नहीं बनाया। हमसे ठग लिया प्रधानमंत्री है, क्या हो गया प्रधानमंत्री की बात वो करते हैं, क्या मन की बात कह के तो पूरे देश की आवाम के दिमाग को पका दिया। एक आम वाला बेच रहा था, मैंने पूछा भाई आम कार्बाइड से तो नहीं पकाया? बोला मोदी जी की मन के बात को सुना के पका दिया। क्या बोलते मोदी जी? मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। एक और आप उसी देश की बेटियों के लिए कॉल गर्ल शब्द का इस्तेमाल करते हो, आप नारियों का सम्मान करते हो, ये तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है कि लोग आपको नहीं मारता है। आप आम पब्लिक में होते तो जूता मारता आपको।